नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। महापुरुष योग की श्रृंखला का आज अंतिम वीडियो बना रही हूं। आज बात करूंगी भद्र महापुरुष योग के विषय में। अभी तक मैं शश, मालव्य, हंस और रुचक के विषय में ऑलरेडी बात कर चुकी हूं। पंच महापुरुष योग, जैसा कि नाम से ही आप सभी समझ जाते हैं, ये पांच बड़े ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, जो पांच ग्रह होते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये जब आपकी जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों पर 1, 4, 7 और 10 स्थानों पर अपनी ही राशि यानी कि स्वराशि में या फिर उच्च के होकर बैठ जाते हैं, तो ये ग्रह महापुरुष योगों का निर्माण करते हैं। और जो भद्र महापुरुष योग है वो बुध ग्रह के केंद्र में बैठने से बनता है। केंद्र में बैठा हो अपनी स्वराशि में या फिर उच्च राशि में हो, बुध के लिए आपको समझना आसान है क्योंकि बुध अपनी ही राशि में उच्च का भी होता है, कन्या राशि में। तो आपके लिए बुध के पास सिर्फ दो राशियां बचती हैं, नहीं तो सभी ग्रहों के पास 3 राशियां हैं जहां पर वो महापुरुष योग बना सकते हैं, लेकिन बुध जो है वो केवल 2 राशियों में अगर बैठे हैं तो ही महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और वो 2 राशियां हैं जैमिनी और वर्गो, मिथुन और कन्या। अब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि बुध जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत इम्प्रेशनेबल प्लैनेट कहा जाता है, कि भाई अगर ये जिसके साथ होता है, नेगेटिव प्लैनेट के साथ है तो नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ है तो पॉजिटिव। इसीलिए बुध को दोनों तरह का ग्रह माना जाता है, कि भाई ये थोड़ा इधर भी है इधर भी है। पर अब शर्त हो गई कि वो अपनी राशि में हो या उच्च का हो, जो कि उसके लिए एक ही बात है। तो मिथुन और कन्या अगर आपकी हॉरोस्कोप में केंद्र स्थानों में है और वहां पर बुध बैठे हुए हैं, तो फिर आपके लिए ये भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बुध ग्रह है क्या। बुध ग्रह प्लैनेट्स की हायरार्की में, यानी कि जो उनका ऊपर से नीचे का सिस्टम है, उसमें जो है राजकुमार की हैसियत रखते हैं, यानी इनको प्रिंस कहा जाता है। इनके पास जो ओहदा है, जो पोस्ट है, वो प्रिंस की है, कि एक ये यंग है, वाइब्रेंट है। और यंग लोग, जैसे कोई टीनेजर बच्चा होता है तो वो हाईली इम्प्रेशनेबल एज होती है ना। हम लोग कहते हैं कि भाई बच्चा अगर टीनेजर है तो बड़ा ध्यान रखो, अच्छे दोस्त होंगे तो अच्छा बन जाएगा, बुरे होंगे तो बुरा। इसी तरह से बुध भी है कि युवा है, कुमार है, इसलिए उसके भटकने की या बनने की इक्वल पॉसिबिलिटीज हॉरोस्कोप में रहती हैं। अगर बुध जब अच्छा होता है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि बुध काल पुरुष में 3रे और 6ठे घर के स्वामी होते हैं। 3रा घर हमारा कम्युनिकेशन है, यात्राएं हैं, वाद विवाद है, छोटे भाई बहन है, कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें 3रे घर से हम देखते हैं, छोटे भाई बहन हैं। और 6ठा घर जो है वो हमारे रोग, ऋण, रिपु का तो भाव है ही, साथ ही साथ सबसे ज्यादा कार्मिक एग्जॉशन जो होता है वो भी 6ठे घर से ही देखते हैं, क्योंकि 6ठा घर काल पुरुष का बहुत ही ट्रिकी भाव है, क्योंकि ये हमारे त्रिक भावों में 6, 8, 12 में भी इसका स्थान है। और हमारे जो त्रिषड आए हैं यानी 3, 6, 11, ये भी नेगेटिव हाउसेज हैं, इसमें भी 6 नंबर का शुमार होता है। तो ये मानकर चलिए, क्योंकि काल पुरुष में बुध 6ठे घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्वालिटीज बराबर मात्रा में होंगी या हो सकती हैं, अगर बुध अच्छा है तो। क्योंकि 3रा घर
तो ठीक हो गया, लेकिन छठा घर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हम छठे घर से अपने मातृ पक्ष यानी मामा वगैरह को भी देखते हैं। तो अगर बुध अच्छा होगा तो आपके पास अच्छी वाक शक्ति होगी, एबिलिटी बोलने की, ओरेटर ओरेटर वाली जो स्किल्स हैं, ओरेटरी स्किल्स यानी वक्ता, आप बहुत अच्छे होंगे। नंबर वन, गणित मैथमेटिक्स में आपकी बहुत अच्छी गति हो सकती है। आप समाज से जुड़े कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि छठा हाउस जो है वो समाज सेवा को भी दिखाता है। तो आप समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। आपकी जो बुद्धि है, क्योंकि काल पुरुष में तीसरा घर यानी दूसरे घर से दूसरा घर, धन को कैसे बनाया जाए, बढ़ाया जाए, ये बुध देता है। इसीलिए बुध व्यापार देता है, क्योंकि व्यापारी ही तो देखता है पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। तो अगर बुध अच्छा है तो आपकी बिजनेस की स्किल्स, व्यापार की स्किल्स, मनी को डबल करने की स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी हो सकती हैं। आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। ये सब क्वालिटीज आप बहुत बड़े मीडिया में अपना नाम कर सकते हैं। तो क्या क्या आप कर सकते हैं अगर आपका बुध अच्छा है और भद्र महापुरुष योग बना रहा है, तो जीवन में आपको किस किस फील्ड में बड़ा पद दिला सकता है या आप अपना नाम कर सकते हैं वो आप जानते हैं। सबसे पहले जर्नलिस्ट्स, राइटर्स, लॉयर्स, जजेस, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट, बिजनेसमैन, एस्ट्रोलॉजर। जी हां, आठवें घर से 11वां घर है छठा घर काल पुरुष में। ऑकल्ट का लाभ, बहुत अच्छे ज्योतिषी भी आप हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं क्योंकि तीसरा घर है, डिजाइनर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बहुत किसी बड़ी कंपनी के प्रोफेशनल हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारी फील्ड्स दे सकता है। टीचर है, कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है, वक्ता है, हाँ बहुत अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्योतिषी भी बन सकते हैं, यानी एक बड़ा होराइजन, एक बड़ा आसमान बुध खोल सकता है आपके लिए अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी तरह से बैठे हुए हैं तो। और जब वो अपनी राशि में या उच्च की राशि में होंगे, केंद्र में होंगे, तो वो बहुत बड़े फायदे आपको दे सकते हैं। यहां पर एक बात बुध के लिए आपको नहीं भूलनी चाहिए कि बुध इंप्रेशनेबल है। अगर आपके कुंडली में भद्र महापुरुष योग बन रहा है, समझ रहे हैं ना, तीसरे या मिथुन या कन्या में बुध है और बृहस्पति से देखे जा रहे हैं, यहां पर अभी तक मैंने सब महापुरुष योगों में कहा था कि ये महापुरुष योग ना कमल की तरह अकेले होने चाहिए, तब ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहां पर एक ये महापुरुष योग है जिसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर रही हूं कि अगर बुध बैठा हुआ है केंद्र में और उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो आप समझिए ये सच्चा भद्र महापुरुष योग बन रहा है। फिर आपकी बात का जो वजन होगा, फिर आपकी जो वाक शक्ति होगी, जो बिजनेस स्किल्स होंगी, जो किसी को काउंसलिंग करने की जो एबिलिटीज होंगी, वो कहीं ऊपर दर्जे की होगी, क्योंकि बुध के साथ ये बात है कि शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ और अशुभ हो जाता है। तो या तो बृहस्पति की दृष्टि हो या शुक्र की भी दृष्टि अगर बुध को मिलती है, तो फिर ये महापुरुष योग बहुत बड़ा महापुरुष योग हो जाता है। दृष्टि की बात कर रही हूं, साथ बैठने की बात मैंने नहीं की है, क्योंकि अगर बुध के साथ शुक्र होगा तो शुक्र वहां पर नीच का होगा अगर कन्या में है, तो वो एक अलग चर्चा हो जाएगी। मैंने कहा है कि बुध केंद्र में हो, अपनी राशि और उच्च की राशि में हो, और बुध या शुक्र से देखे जा रहे हो, तो ये भद्र महापुरुष योग को बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि यंग एज से ही
आप बहुत प्रतिभावान होंगे और आप एक कहते ना कि खुलकर आपका व्यक्तित्व तो बहुत यंग एज से ही सामने आने लगेगा, जिसको कहते हैं पूत के पैर पालने से ही दिखाई पड़ते हैं। यंग एज से ही आप में वो शार्पनेस होगी कि लोग आपको देखते ही कहेंगे कि ये बच्चा भाई कोई नाम करेगा। लेकिन ये सब बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन जो मैं हमेशा कहती हूं उस पर चर्चा होगी, क्योंकि अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे और ये पहला वीडियो है तो बताना जरूरी है कि ये योग अगर बन रहे। देखिए, अगर आप टेक्निकली देखेंगे, मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ज्योतिष को, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो हर 18वें बच्चे का जो जन्म ले रहे हैं लोग, हर 18वें व्यक्ति का बुध केंद्र में हो सकता है, अपनी ही राशि में हो सकता है, स्वराशि या उच्च की राशि में हो सकता है। ये गणित से मैं अभी बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब हर प्रति प्रति 18 व्यक्ति में एक व्यक्ति को ये स्किल्स प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन क्या आप देखते हैं कि इतने लोग इतने हाई अचीवर्स होते हैं जितना कि महापुरुष योग में बात बताई जाती है? नहीं, क्योंकि यहां पर देखना ये भी होगा कि बुध किस स्थान का मालिक है। अगर बुध आपका, मतलब अगर बुध की लग्न है या बृहस्पति की लग्न है तब तो ठीक है, यानी बुध केंद्र और उसके ही मालिक होते हैं। लेकिन ऐसी भी कोई लग्न हो सकती है जहां पर अगर, मतलब बुध शुभता को लिए हुए नहीं है, या फिर उनके ऊपर कोई नेगेटिव ग्रह का इंपैक्ट आ रहा है, बुध अपनी राशि में है लेकिन राहु केतु की एक्सिस में है, तो फिर आपके अंदर ये गुण तो होंगे लेकिन आप अपनी वाक क्षमता का जो प्रयोग है वो नेगेटिव रूप में कर रहे होंगे। मतलब हो सकता है कि आप बहुत पॉपुलर हो जाएं अपनी हेट स्पीच के कारण। पॉपुलैरिटी वो भी है, ध्यान से समझिएगा, पॉपुलैरिटी वो भी है और पॉपुलैरिटी ओशो की भी थी कि उनके जो सरमंस हैं उनको सुनकर आपको अच्छा फील होता है। पर कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी स्पीच, हेट स्पीच में वो माहिर हो और दंगे भड़का सकता हो, लोगों को हर्ट कर सकता हो, प्रसिद्ध तो वो भी है। तो बुध का निष्कलंक होना बहुत जरूरी है, बुध का शुभ ग्रहों की दृष्टि में आना बहुत जरूरी है, ये भद्र महापुरुष के लिए बड़ी बात है। मंगल की दृष्टि अगर होगी तो आप ऐसा बोलेंगे कि तीर चुभा देंगे लोगों को, दंगा भड़का देंगे आप अपनी स्पीच से। तो बुध के लिए पूरा जब देखें आप हॉरोस्कोप तो जरूर चेक करें कि वो किस प्रभाव में है। तीसरी बात ये कि बुध की डिग्रीज जरूर देख लें। मैं सरल तरीका आपको एक बता दिया है कि लग्न की डिग्री के आसपास अगर ग्रह होगा तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, और अगर लग्न की डिग्री से बहुत दूर होगा तो फिर उसका प्रभाव कम होगा। ये डिग्रीज को समझने का सबसे सरल तरीका है, ठीक है? डिग्रीज को देख लें, उसके बाद बुध की पोजीशन नवांश में अवश्य देख लें कि यहां पर लग्न पत्रिका में अगर बुध केंद्र में है तो नवांश में छठे आठवें बारहवें में तो नहीं चले गए हैं, जाना तो तीसरे छठे ग्यारहवें में भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वहां चले गए हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन छह आठ बारह में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इस ग्रह की, इस योग की शुभता समाप्त हो जाती है। और ये भी कह सकते हैं कि आप अपने पूरे पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, और आप जैसे जैसे मतलब जीवन आगे बढ़ता है आप अपनी जो जन्म से लेकर जो स्किल्स बुध की दी हुई आप लाए थे
उनका आप अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाए और उसका कोई खास फायदा अपने जीवन में ना उठा पाए। तो पहला देख लेना है, अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी डिग्रीज ठीक ठाक हो। और तीसरा ये कि नवाज में उसकी स्थिति अच्छी हो, इतना अवश्य देख लीजिए। नहीं तो ये ग्रह सामान्य योग की तरह ही हो जाता है और आप लोग पूरी उम्र सोचते हैं कि मेरी पत्री में तो भद्र महापुरुष योग था लेकिन कोई ऐसा फायदा मुझको नहीं मिला। पर अगर जो मैंने शर्तें बताई हैं उन शर्तों पर बुध खरा उतर रहा होगा तो सच मानिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वैसे भी मैं आपको कह दूं कि बुध आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति से दृष्ट हो जाता है या शुक्र से भी, शुक्र का सेकंड डिग्री का इन्फ्लुएंस है। फर्स्ट ये है कि अगर बुध को बृहस्पति की दृष्टि मिल जाती है तो आप फिर कहते हैं ना, आपके पास विजडम, विवेक और बुद्धि दोनों होती है और जिसके पास बुद्धि और विवेक दोनों होगा उसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा, आप सफल अवश्य हो जाएंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस भद्र महापुरुष योग पर। मतलब भद्र का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल, प्रसिद्ध, सच्चरित्र व्यक्ति, कहते ना बहुत भद्र पुरुष है वो, मतलब जो गरिमामय है, जो बातचीत में बहुत शार्प है, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है, समाज में उसकी एक स्थिति है, समाज में उसकी एक पकड़ है, समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा है, तभी तो भद्र पुरुष होता है। तो अगर बुध अच्छा होगा तो आप ऐसे समाज में एक भद्र पुरुष की तरह बन जाएंगे। ये थी मेरी एनालिसिस भद्र महापुरुष योग पर। आगे और विषयों पर आपसे बात चलती रहेगी। कमेंट्स में कुछ सब्जेक्ट सजेस्ट करें, मुझे अच्छा लगेगा कि किन विषयों पर आप मेरी राय जानना चाहेंगे। धन्यवाद। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें प्लीज, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।